शादी का मजा लेना है तो पहाड़ों पर तो आना ही पड़ेगा मेरी जान। ये जो है शिमला का व्यू बहुत ही अच्छा है, तो हमारे रजौरी में भी ऐसा ही होता है, लेकिन आज हमने प्लान कर लिया कि हम आए हुए थे इधर हिमाचल, तो हमने कहा कि शिमला भी घूम लेते हैं। ओह माय गॉड, तो अच्छा ही है। लास्ट टाइम हम रजौरी में गए थे तो बिल्कुल ऐसा ही है। जहां नजर फेरो बर्फ ही, हम जो है बाकी की आपको प्रक्रिया बताते रहेंगे। फिलहाल जो है हम जो है गाड़ी शिफ्ट कर रहे हैं, इस गाड़ी में हम आगे का प्रस्थान करेंगे। आज हमारी मित्र मंडली जो है वो रेडी हो गई है। ये भी आज का हमारा जो प्लान था बड़ा ही स्पॉन्टेनियस अचानक से। हमारे ऋषभ जी हैं इधर, हेलो, पीछे आशु जी, हेलो, और दीपक जी। क्या कहना चाहोगे? क्या बस जी, रैंडमली आज हम निकले हैं, देखते हैं कुछ। हल्की हल्की बूंदाबांदी जो है वो चल रही है, साथ में हम एंजॉय कर रहे हैं। हमारे ऋषभ जी एक बार बोलेंगे, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। इस समय लाइव बर्फ पड़ती हुई, ओह माय गॉड। फिर मिला गे, हाय नी अपा फिर मिला गे, कदे न कदे फिर मिला गे। मैं फूल ना दुपारा सजना, कला दी कवारा सजना, मिलना चाहूं दुपारा सजना फिर रला दी, हाय नी अपा फिर मिला गे, कदे न कदे फिर मिला गे। हाय नी अपा फिर मिला गे, कदे न कदे फिर मिला गे, फिर मिलांगे। रुक जाने कद दिना ए नी कच्चे पक्के राहां ते, मेरे ते यकीन बड़ा पर हुंदा नहीं ओ सावां ते, पलकां वी ना बंद करा तू सामने निगाहां दे। तो इस समय लाइव आप देख रहे हैं कैसे स्नोफॉल हो रहा है। आशु जी बड़ा ही सुंदर एक छाता लेकर आए हैं, आप व्यू देख सकते हैं छाते का, कितना प्यारा ट्रांसपेरेंट छाता है। मेरे साथ हमारे साधु साथ दीपक जी जो हैं वो आ गए हैं। अब थोड़ा कह रहे हैं कि मौज मस्ती के लिए उत्सव डांस भी होना चाहिए। आशु जी आपको कैसा लग रहा है अभी आप आए हो यहाँ पे? बहुत ही अच्छा लग रहा है, अद्भुत कलाकारी ये हमारे दीपक जी करते हुए यहाँ पे मित्र मंडली का नाम लिखते हुए इंग्लिश में। अभी हमारा स्नोमैन बन रहा है, जैसे ये बन जाएगा हम आपको दिखाएंगे। अभी ये स्नो चाइल्ड है, कला है उसका
साथी जो है वो अभी घर में है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि जिंदगी का मजा तो है पहाड़ों पे तो आना पड़ेगा मेरी जान। हम अभी एक प्रयास कर रहे थे, यहाँ पे कोशिश कर रहे थे एक छोटा सा स्नोमैन बनाने की, अभी हमारी टीम ने मिलकर यहाँ पे छोटा सा स्नोमैन बनाया है और हम देखते हैं ये कितनी देर यहाँ पे सर्वाइव करता है। हम आगे जा रहे हैं वापसी में, आपने देखा किस तरह से हमने स्नोफॉल में जो है अपनी शुरुआत की है। तो आप देख सकते हैं कि हर तरफ जो है पहाड़ जो लिपटे हैं सफेद चादर में, बिल्कुल जो है ये सर्टन हमारा प्लान बना। खूबसूरत दृश्य, ओह माय गॉड, सो कूल। तो इस समय हम अपना हल्का सा जो जलपान वो है वो अभी यहाँ किया है, और अगर मस्ती देखनी हो देखिए किस तरह से लड़के इतनी बर्फबारी में नाच रहे हैं, मजे कर रहे हैं, जिंदगी जीने का मजा तो असल में यही ले रहे हैं, हम तो सिर्फ ब्यूटी एंजॉय कर रहे हैं। वाह पापा, हम टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, लाइब्रेरी में बैठे हुए हैं। बच्चा फरार लेकिन हम काम से फरार, देखते हैं पता चलने के बाद क्या क्या होगा। ये 2024 की पहली बर्फबारी, पूरा एक महीना लेट, और जितना इन्होंने वेट किया है उतना ही देखो कितना एंजॉय कर रहे हैं। पीछे का नजारा देख सकते हैं, इतनी साफ और साफ है बिल्कुल, वो देखिए हमारे सामने शेर जाता हुआ। हाय शेर कितना बड़ा ही, हाय में आप जिस तरफ देखेंगे उसी तरफ आपको पूरा स्नोफॉल का जो है व्यू प्यारा दिखेगा, हर तरफ व्हाइट ही व्हाइट, हमारी गाड़ी की हालत आप देख सकते हैं। तो इस समय देखिए किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं हमारी टीम के सारे मित्र मंडली के लोग, खूब मौज मस्ती चल रही है, एंजॉय कर रहे हैं। अब हमने स्नो का बहुत इंजॉय कर लिया, यहाँ पे डांस भी कर लिया, तो अब हम सोच रहे हैं कि अगर हमें कोई छोटी सी छत मिल जाती तो हम कुकिंग का करते थोड़ा सा, स्नो में कुकिंग। इस समय हर तरफ पूरा जो है स्नो कवर्ड हो गया, सारा एरिया पूरा वाइट वाइट ही है, और एकदम से सॉफ्ट जैसे रुई गिरती है लगभग ऐसे अभी जो है वो यहाँ पे स्नोफॉल हो रहा है। और हम अब कुछ जलपान करने के लिए, हमें ठंड लगी थी तो इसलिए हम चाय का प्रोग्राम कर रहे हैं गाड़ी में ही, चल बना रहे हैं मट्ठी मट्ठी लहर विच बिलो तेरे शहर विच, यहां पे मैगी का कार्यक्रम चल रहा है साथ में, चित मेरा खड़दा ना चित मेरी जान से अपा कब कौन सी इतनी सोनी तूर कान चट होई है जवान तेनु, साथ में मैगी भी बना रही हूं, चीनी कम वो पत्ती से तिले इतनी सर्दी में सही मजा ही सारा चाय का, वाओ राजस्थानी लीजिए।
तो बर्फ में चाय का आनंद लेते हुए हमारी मित्र मंडली चाय के साथ देख सकते हो लाइव बर्फ बिल्कुल राजू जी ऋषभ जी अभी इस समय क्या बना रहे हैं सर बस तड़का लगा दिया मैंने मैगी इज रेडी टमाटर और वो टमाटर सॉरी 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 बस उसके बाद जल्दी मैगी बनाएंगे और ये मैगी तैयारी ओ खाड़े विच डांग खाड़ के ओ खाड़े विच डांग खाड़ के ओ सर हो गई लड़ाई भारी अर्जुन वैली ने हो अर्जुन वैली ने हो पैर जोड़ के गनासी मारी अर्जुन वैली ने हो पैर जोड़ के गनासी मारी बहुत बहुत धन्यवाद ऋषभ जी का इन्होंने हमें चाय भी बहुत ही टेस्टी बनाकर पिलाई बिल्कुल घर जैसा टेस्ट बिल्कुल कड़क चाय और अब हमारे लिए मैगी भी जो है स्नोफॉल में हमारे लिए मैगी भी जो है रेडी हो गई है कितनी अभी लगभग डेढ़ डेढ़ फीट बर्फ पड़ चुकी है और हमारा जज्बा जो है वो कम नहीं हो रहा एक फीट से डेढ़ फीट के करीब करीब बर्फ के बावजूद भी बरकरार आशु जी अभी स्केटिंग करने के मूड में इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की ओह माय गॉड दैट्स नॉट सक्सेसफुल यहाँ पे एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल नहीं हुआ लगभग 8-10 गाड़ियां जो है वो स्किड कर आगे पीछे जो है जा सकती हैं बड़े ही सुंदर तरीके से हमारे ऋषभ बम बम बोले बम बम तो इस तरह से हमारा जो आज का मित्र मंडली का ये जो टूर था और यहाँ पे इन पहाड़ों के साथ समापन की ओर फिर नेक्स्ट मिलेंगे जल्दी ही एक अगली वीडियो के साथ अगली ब्लॉग के साथ पर लाइक एंड शेयरिंग उत्तरी दुख से बस जाननी कला उत्तरी आनंद